हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्पटिंग रसोई। आज मैं बताने जा रही हूँ अमचूर की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच अमचूर, आधा चम्मच काला नमक और सफेद नमक, गुड़, भुना हुआ पिसा जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये सोट है। सोट 1 चम्मच ली है मैंने। अगर आपके पास सोट नहीं है तो आप अदरक को भी कद्दूकस कर सकते हैं। और ये अरारोट, और पानी है। बिल्कुल सबसे पहले ये अमचूर को जो है इसमें डाल देंगे हम एक पतीले में, बर्तन में। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अमचूर को थोड़ा घोल बना लेंगे। थोड़ा पतला घोल बनाना है इसका। ये देखिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। थोड़ा सा और इसमें पानी जाएगा। ये देखिए, मैंने करीब 3 चम्मच अमचूर लिए थे, उसमें देखिए 1/4 ग्लास मेरा पानी चला गया। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया था 1 ग्लास में, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि इसमें और पानी पड़ेगा, तो मैं इसमें सारा ही पानी ये डाल देती हूँ। पूरा 1 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इसको गैस पे रखूंगी गर्म होने देखिए, के अब लिए। मैंने इसको जो है गैस पे रख दिया है। अब इसमें जो है मैं काला नमक और सादा नमक डाल दूंगी, सफेद नमक। ये देखिए, और उसके बाद जो मैंने सोल्ट पाउडर लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ जो था, और मिर्च वो भी डाल दूंगी। ये देखिए, और इसमें गुड़ भी डाल दूंगी, और इसको एक उबाल आने तक वेट करूंगी। देखिए, अब इसमें उबाल आ गया है, और देखिए ये गुड़ पूरा पिघल गया है इसमें। और इसको जब तक ये उबल रहा है तब तक जो है हम एक कटोरी में जो 1 चम्मच अरारोट लिया था उसको डाल लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्ट इसमें अरारोट डालेंगे ना तो फिर वो लम्स बन जाएंगे, इसलिए हम इसको पानी में ऐसे घोल के थोड़ा तब डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है। आपको एकदम प्योर रेड लेना है तो आप प्योर भी रेड ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने फूड कलर भी डाल दिया है थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। देखिए, एकदम मिक्स हो गया ये। अब इसको जो है हम इसमें धीरे धीरे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये देखिए, बस इसमें थोड़ा और उबाल आ जाएगा तो ये हमारी चटनी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए, अब आप ठंडी करके इसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि छुआरा है, काजू है, किशमिश है। और देखिए, ये बहुत ही झटपट बन जाती है। घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए और आपके पास चटनी ना हो तो, और पकौड़े वकौड़े बनाया तो चटनी ना हो, तो आप आराम से इसको बना के सर्व कर सकते हैं। आपको ये चटनी की रेसिपी अगर मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।